ये ना सोचे कि ये सदन किसी राजा का हवा महल है। अब सुन लीजिए जरा, मैं नहीं मानता इससे ज्यादा शर्मजनक बात और कोई हो सकती। शुक्रवार जो घटना हुई सर, उसके बारे में हमने निवेदन भी किया था, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर श्री अधीर रंजन जी भी आपके समक्ष में भी किया था। हमारा रिक्वेस्ट अभी भी है सर, भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा सदन शांति से, अच्छे ढंग से, स्ट्रक्चरल रूप में डिबेट हम चाहते हैं। लेकिन जो वक्तव्य उन्होंने किया उन दो सदस्यों ने, और उसके बाद इंस्पाइट ऑफ जो चेयर पर बैठे हुए थे हाउस डिस्टर्ब भी किया और चेयर से डायरेक्शन भी दिया गया कि आप माफी मांगो, इंस्पाइट ऑफ दैट दे हैव नॉट आस्क्ड द अपोलॉजी सो फार। अभी भी मेरा आग्रह है अधीर रंजन जी से, आपके मेंबर से, ये तो वक्तव्य बिल्कुल ठीक नहीं है। एक महिला सदस्य, वो भी मंत्री है, ऐसे हाथ ऊपर उठ के आगे आना ये ठीक नहीं है। दिस इट हैज बीन सीन इन ए वेरी बैड लाइट एज फार एज द एंटायर कंट्री इज कंसर्न, एंड इसलिए मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ उन लोगों को माफी मांगना चाहिए। हम तो किसी को बाहर करने का पक्ष में नहीं है, फिर भी अगर उन्होंने माफी नहीं मांगता है तो मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, आप जो कार्रवाई करना है कर दीजिए। सर बड़ी विनम्रता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार की तरफ से पार्लियामेंट्री लीडर्स और बाकी ये ना सोचे कि ये सदन किसी राजा का हवा महल है। ये सदन हिंदुस्तान की, ये सदन बोलने दीजिए ये सदन ये हिंदुस्तान के लोगों को, हमारा पार्टी उसकी नुमाइंदे को यहाँ आना, आम लोगों की बात करना, इसके लिए ये सदन बने हुए हैं। सर ये लोग नहीं जानते किस तरह के मोशन लाना चाहिए, ये मोशन लाने का तरीका नहीं जानते आप लोग मोशन लाने का तरीका नहीं जानते, फिर भी पार्लियामेंट्री मिनिस्टर बने हैं। हाँ मैं बोल, आपने किसी को, स्पीकर साहब ने उस दिन थे जब ये सदन में चर्चा हो, वो अपनी पार्टी के नेता है, अनुभवी सांसद है, जिस तरह का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग उन्होंने इस सम्मानित सदन के लिए किया है वो बहुत निंदनीय है सर, उनको वापस लेना चाहिए। यह कहना चाहते हैं सर, सर सर आई वुड लाइक टू रेफर कॉल एंड सेक्टर पेज 1059 कॉल एंड सेक्टर, इट हैज बीन क्लियरली स्टेटेड दैट एन ऑर्डर पास बाय द स्पीकर इज फाइनल। स्पीकर साहब कोई ऑर्डर नहीं दिया उस दिन, उस दिन स्पीकर साहब का रूलिंग का ऊपर ओवर रूलिंग किया गया, द रूल ऑफ द स्पीकर वॉज ओवर रूल्ड, दिस काइंड ऑफ एट्रोसिटी एरोगेंस इज बीइंग पोस्ट बाय यू। अब 374 ए को पढ़ लीजिए जनाब, 374 ए को पढ़ लीजिए, रूल 374 ए, नोटविस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्टेंट इन रूल 373 एंड 374 इन द इवेंट ऑफ ए ग्रेव डिसऑर्डर occasion by member coming into the well of the house or abusing the rules of the house persistently and willfully obstructing its business by shouting slogans or otherwise, such member shall, on being named, again I am reiterating, on being named by the speaker, stand automatically suspended from the service of the house for 5 consecutive sittings or the remainder of the session whichever it is. Speaker ka koi us din name naam kiya tha? Whether speaker has named for anybody? No. Speaker, the house was continuing on. But it is a. Hey, सब कुछ होने का बाद आपको लगा, सब कुछ होने का बाद आपको लगा कि ये हमारे दो सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई किया जाए? सर हमारे सदस्यों को जलाने का कोशिश मत करो, हम डरने वाला नहीं हूँ, अब बात बात में हमें अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान विनम्रता से 374 क के खिलाफ सामने ले जाना चाहता हूँ। नियम 373 और 374 में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी किसी सदस्य और अध्यक्ष के आसन के निकट आकर अथवा आगे सुनना चाहिए अथवा सभा में नारे लगाकर या अन्य प्रकार से सभा की कार्यवाही में बाधा डालकर लगातार जानबूझकर सभा के नियमों का उल्लंघन करता है, अव्यवस्था उत्पन्न किए जाने की स्थिति में अध्यक्ष
अध्यक्ष द्वारा नाम लिए जाने का प्रावधान है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अध्यक्ष जी के सामने करेंगे, सभा को अब सुन लीजिए जरा, सभा को बाधित करने के किसी भी प्रकार के तरीके पर ये नियम का प्रयोग कर सकते हैं। और जबकि एक महिला सदस्य के सामने, महिला मंत्री के सामने हाथ खड़े के कर वेग के साथ जाना, मैं नहीं मानता, इससे ज्यादा शर्मजनक बात और कोई हो सकती है। दिस इज हिट केस, मान्य अध्यक्ष जी, दिस इज हिट केस फॉर 374। एक मिनट, सब बैठ जाइए, सब बैठ जाओ, एक मिनट प्लीज, मैंने प्लीज, एक मिनट सिट डाउन। हाँ।